Hello everyone, welcome to this lecture on cell injury and golden points. So we will discuss the golden points in cell injury, the most important points in cell injury. So first, hypoxia is the most common cause of cell injury. We must be knowing that if you have studied the chapter cell injury, we must be knowing that hypoxia is the most common cause of cell injury. तो ये आपको याद रखना है कि hypoxia is the most common cause of cell injury. Then neurons are the most sensitive cell to hypoxic injury. Number two is neurons are most sensitive to hypoxic injury. तो एक क्या याद रखना है, hypoxia is the most common cause of cell injury and neurons are the most sensitive cell to hypoxic injury. ठीक है, फिर नंबर थ्री क्या है यहाँ पे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज एसोसिएटेड विद टॉम्बस्टोन अपेयरेंस. तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, टॉम्बस्टोन अपेयरेंस दिखाई देता है. सो वेयर व्हाट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस. सो लेट्स सी व्हाट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस. कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ necrosis. Then इसमें क्या होता है, loss of nucleus with the cellular outline being preserved. तो इसमें क्या होता है, nucleus loss हो जाता है. The nucleus is lost, but the cellular outline जो होता है, the cellular outline is preserved, and this is also known as tombstone appearance. तो क्या होता है, the cellular outlines is preserved, but the क्या होता है, जो nucleus है, that is lost. ठीक है, and where do we see coagulative necrosis? We see coagulative necrosis in most of the organs. Bola to kya kya ho sakta hai, the solid organs like heart, liver, kidney, etc. But we don't see in brain mein nahi hota, kyunki brain mein kya hota hai, brain mein we see liquefactive necrosis. ब्रेन में क्या देखते हैं हम, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. तो क्या है अभी, व्हाट आर दिस थ्री पॉइंट्स, हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी, देन न्यूरॉन्स आर द मोस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिक इंजरी, देन कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज एसोसिएटेड विद टॉम्बस्टोन अपीयरेंस. व्हाट इज टॉम्बस्टोन अपीयरेंस, जिसमें सेलुलर आउटलाइन इज प्रिजर्व बट द न्यूक्लियस इज लॉस्ट. ठीक है, इट इज सीन विद इस्केमिक इंजरी टू ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट सीएनएस. तो हमने बात किया, ब्रेन में ये नहीं दिखाई देता है. फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केशियस नेक्रोसिस. तो दिस इज केशियस नेक्रोसिस इज कॉज्ड बाय, केशियस नेक्रोसिस मतलब चीज लाइक अपेरेंस. केशियस नेक्रोसिस इज चीज लाइक अपेरेंस. सो यू कैन सी हियर, दिस इज अ चीजी अपेरेंस, चीज लाइक अपेरेंस. वेयर डू वी सी केशियस नेक्रोसिस, टीवी में देखते हैं हम, सिफिलिस में देखते हैं हम, देन हिस्टोप्लास्मोसिस एंड कोक्सीडियोडोमाइकोसिस. ठीक है, तो टीवी, सिफिलिस, हिस्टोप्लास्मोसिस एंड कोक्सीडियोमाइकोसिस. So this is case. Start preparing for the NEET MDS from your home. Dr. Pranab Academy of Dental Sciences. Online classes for all first, second, third and final year students. NEET MDS online test series, unlimited practice and highest quality teaching. Affordable pricing. Download the app now. The best example of coexistence of hypertrophy and hyperplasia in uterus during pregnancy. So hypertrophy kya hota hai, what is hypertrophy and what is hyperplasia. So hypertrophy is the increase in number of cells and hyperplasia is increase in the size of the tissue. So what is the difference between hypertrophy or hyperplasia, ye humko
जानना पड़ेगा एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दैट. सो इंक्रीज इन साइज एंड फंक्शन ऑफ सेल्स. इंक्रीज हाइपरट्रॉफी आपको इंक्रीज इंक्रीज इन साइज एंड फंक्शन ऑफ सेल्स. ठीक है, जैसे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हो गया, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट एंड स्केलेटल मसल फाइबर इन बॉडी बिल्डर्स. स्केलेटल मसल फाइबर्स इन बॉडी बिल्डर्स. ठीक है, दिस इज हाइपरट्रॉफी. नाउ हाइपरप्लेशिया क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. ये था हाइपरट्रॉफी, था इंक्रीज इन साइज. मतलब साइज सोचो, पहले साइज इतना था, अभी द साइज हैज बिकम दिस मच. ठीक है, दिस इज इंक्रीज इन साइज. बट हाइपरप्लेशिया, व्हाट इज हाइपरप्लेशिया? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर. तो सोचो पहले दो था, अब वो 10 बन गया है. 1 2 3 4 6 7 8 लाइक दैट. फाइन, तो दिस इज हाइपरप्लेशिया. ठीक है, तो वेयर डू वी सी हाइपरप्लेशिया? वी सी दिस आल्सो इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी. ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया. सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया. बट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डू वी सी बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया? सो बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया इज सीन इन यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज ग्रेविड यूटेरस. फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. मोस्ट कॉमन मेटाप्लेशिया क्या होता है? मेटाप्लेशिया इज क्वामस मेटाप्लेशिया सीन इन द लंग्स ऑफ स्मोकर. तो व्हाट इज मेटाप्लेशिया? लेट्स सी व्हाट इज मेटाप्लेशिया. It is a reversible change in which one differentiated cell type is replaced by another cell type. So, ek tarike ka cell, one type of cell is replaced by another. One type of cell is replaced by another, like epithelial is replaced by mesenchymal. ठीक है, तो दैट इज मेटाप्लेशिया. मेटाप्लेशिया मीन्स वन टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस बाय अनदर. ठीक है, यही है इसके बारे में. द वन टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल. नाउ साइन ऑफ रिवर्सिबल इंजरी इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज साइटोप्लास्मिक लिपिड वैक्यूल. साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज साइटोप्लास्मिक लिपिड वैक्यूल. ये आपको याद रखना है, रिवर्सिबल सेल इंजरी इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज साइटोप्लाज्मिक लिपिड वैक्यूल. इट इज एन एमसीक्यू टू बी रिमेंबर्ड. CD95 प्लेज अ रोल इन एपोप्टोसिस. एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस हैज टू पाथवेज, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपको CD95, ठीक है, प्लेज सम रोल. माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ पिवोटल रोल इन एपोप्टोसिस, दैट वी नो. माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एपोप्टोसिस. इसके बारे में क्या, इज द अर्लीस्ट दैट इज डिफरेंट इन सेल इंजरी. माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस ए पिवोटल रोल ऑन एपोप्टोसिस. व्हाट इज एपोप्टोसिस? लेट्स स्टडी एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. एपोप्टोसिस का डिफिनेशन क्या है? एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल death. What are the marker for apoptosis? Marker for apoptosis is annexin 5. ये हमको याद रखना है. This is an MCQ most commonly asked. Marker for apoptosis is annexin 5. So most important stimulatory gene for apoptosis is p53 gene. Stimulatory gene, एक होता है stimulatory gene and one is inhibitory gene. So stimulatory gene is P53 and inhibitory gene is BCL family. BCL family may be BCL2. Fine. Keywords associated with apoptosis are caspases, cytochrome C and embryogenesis. So apoptosis se related word kya hai? Caspases, cytochrome C and
एम्ब्रायो जेनेसिस. फाइन. नाउ क्रोमेटिन कंडेंसेशन इज द हॉलमार्क फीचर्स ऑफ फीचर ऑफ एपोप्टोसिस. ये आपको एमसीक्यू याद रखना है. क्रोमेटिन कंडेंसेशन इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ एपोप्टोसिस. दिस इज एन एमसीक्यू टू बी रिमेंबर. क्रोमेटिन कंडेंसेशन इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ एपोप्टोसिस. नाउ स्टेप लैडर पैटर्न. स्टेप लैडर पैटर्न ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये देखो स्टेप लैडर पैटर्न. दिस इज ए स्टेप लैडर पैटर्न. दिस इज ये दिखाई दे रहा है स्टेप लैडर पैटर्न. दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये आपका एपोप्टोसिस सिग्निफाई करता है. एपोप्टोसिस. ठीक है. इंट्रान्यूक्लियोसोमल क्लीवेज ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपोप्टोसिस. ये भी आपको याद करना है. दिस इज मोर अबाउट मेमोराइजिंग. एंटी कैंसर ड्रग कैन कॉज बोथ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. सो एंटी कैंसर ड्रग्स कैन कॉज बोथ नेक्रोसिस एज वेल एज एपोप्टोसिस. ठीक है. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज एपोप्टोटिक बॉडीज आर कंसीलमेंट बॉडीज. तो ये याद रखो कंसीलमेंट बॉडीज साइवेट बॉडीज कामिनो बॉडीज एंड टेंजिबल बॉडीज. फाइन. These are the example of apoptotic bodies. Mitochondrial abnormality is seen in oncocytoma. तो oncocytoma क्या होता है ये हमको पहले जानना पड़ेगा. Oncocytoma can arise in a number of organs. And oncocytoma is an epithelial tumor. तो oncocytoma क्या होता है epithelial tumor होता है. ठीक है. Composed of oncocytes. इसमें oncocytes होता है. Large eosinophilic cells having small round benign appearing nuclei with large nucleoli. तो क्या होता है large eosinophilic cells having small round benign क्या होता है large eosinophilic cells होता है then have small large eosinophilic cells having small round benign appearing nuclei with large nucleoli. ठीक है. तो दिस इज ए oncocytomer. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. Steatosis means fatty change due to accumulation of triglyceride. तो triglyceride का accumulation के कारण steatosis होता है. Caspases are involved in apoptosis, organogenesis or morphogenesis. We talked about caspases ki the term caspases is involved with apoptosis. ठीक है. और ये what is it related with organogenesis and morphogenesis. Lipofuscin is also known by several other names. So now coming to the pigments. So pigments. So there are different types of pigments. आपका क्या होता है मेलानिन होता है हेमोसिडरिन होता है लाइपोफ्यूशन होता है. तो लाइपोफ्यूशन के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं. तो लाइपोफ्यूशन इज ऑल्सो नोन बाय सेवरल अदर नेम्स लाइक लाइपोक्रोम. लाइपोफ्यूशन इज नोन एज लाइपोक्रोम. वेयर एंड टियर पिगमेंट. पिगमेंट ऑफ एजिंग एंड इंडिकेटर ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी. लेट्स राइट इट डाउन हियर. इट इज ऑल्सो नोन एज लाइपोक्रोम. इट इज ऑल्सो नोन एज वेयर एंड टियर pigment, then pigment of aging and indicator of free radical injury. Fine. It gets deposited mostly in heart and liver. This is important. So lipofuscin deposited कहाँ पे होता है? Heart and liver. Fine. Then the endogenous brown-black pigments include brown-black जो pigment होता है वो क्या होता है it is melanin and homogenetic acid. The black pigment जो alkaptonuria में मिलता है what is got in alkaptonuria is homogenetic acid.
ठीक है, अल्काप्टोन्यूरिया में जो मिलता है वो होमोजेनेटिक एसिड है। तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, नॉर्मल सीरम लेवल, वी वोंट डिस्कस डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हियर इन डिटेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सेल इंजरी। सो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, नॉर्मल सेरम कैल्शियम लेवल एंड इन डेड टिश्यूज, क्या लिखा है ये, हाँ नॉट डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन जो होता है वो डेड टिश्यूज में होता है, इट हैपेंस इन डेड टिश्यूज, एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में नॉर्मल सेरम कैल्शियम लेवल होता है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में इंक्रीज सेरम कैल्शियम लेवल एंड इट हैपेंस इन लिविंग टिश्यूज। सुप्रा सेलर कैल्सिफिकेशन दैट इज इन पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑलवेज अ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, राइट। Now let's see where are the oncocytes found. Oncocytes are seen in salivary gland, thyroid, parathyroid, kidney, lung, pituitary, and pancreas. Lungs are the most commonest site for metastatic calcification. Metastatic calcification are happening in living tissues. Fine. Other sites include stomach, pulmonary veins, systemic artery, and kidneys. सामोमा बॉडीज कहाँ पे मिलता है, सामोमा बॉडीज आर फाउंड इन मेनिंजियोमा, पेपिलरी, थायराइड कार्सिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा, ग्लूकागोनोमा एंड सेरस। दिस इज देयर इज अ न्यूमोनिक फॉर दिस, फॉर आपका सामोमा बॉडीज के लिए दैट इज मेनिंजियोमा एम, देन एम ओ एस टी मोस्ट PG, I think. So M for meningioma, O for ovary mass, जो सेरस सिस्टेडेनोमा होता है, ठीक है, P then P for papilloma of salivary gland, salivary gland का papilloma, ठीक है, then T for आपका T for thyroid, thyroid का papillary, fine, then P for prolactinoma and G for glucagonoma, okay. Next point, Gandy gamma bodies is seen in congestive splenomegaly. So, आपको याद रखना है कि Gandy gamma bodies is seen in congestive splenomegaly. It contains hemosiderin and calcium. Oncocytes are formed with modified mitochondria. उसके बारे में पहले बोला था, oncocytes are formed with modified mitochondria. ये आपको याद रखना है, ठीक है? Germ cells have the capacity for self-renewal because of telomerase activation. तो what is telomerase के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. Telomerase length, a marker of cellular aging. तो telomerase length क्या होता है? Is a marker of cellular aging. Decreases with age and it has been associated with aging related डिजीज. तो टेलोमरेस लेंथ जो होता है, टेलोमरेस लेंथ इज रिलेटेड विथ एजिंग रिलेटेड डिजीजेस. एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ टेलोमरेस शॉर्टनिंग इन विच कैन बी रिवर्स बाय टेलोमरेस. टेलोमरेस एक्टिवेशन बाय नेचुरल मॉलिक्यूल हैज बीन सजेस्टेड टू बी एन एंटी एजिंग modulated death play. So in substance is that telomerase length plays a role in apka anti-aging mein. So germ cells have the capacity for self-renewal because of telomerase. Agar telomerase ko activate kiya jata hai, then the germ cells have the capacity for self-renewal. Wo self-renew ho jata hai phir se. Cancer cells have the phenomenon of telomerase reactivation. Germ cells have the maximum telomerase activity among all cells of the body. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? Now let's talk about cell cannibalization. So cell cannibalization is cell eating cell. Cell eat cell. I think cell eat cell phenomenon. It is cell eat cell phenomenon. So cell cannibalization required for cell survival is called autophagy. In Alzheimer's disease, formation of autophagosome is accelerated, and in Huntington, mutant Huntington impaired autophagy.
An autophagosome is a spherical structure with the, I don't think it's required to be understood here. What is necroptosis? Necroptosis is a caspase independent process which resembles necrosis morphologically. So necroptosis mein kya hota hai? Ek tha apoptosis, ek hai necroptosis and ek hai pyroptosis. So necroptosis mein kya hota hai? Necroptosis mein it resembles necrosis morphologically. Morphologically it is similar to necrosis, but it is mechanistically similar to apoptosis. ठीक है? So what is this? It is morphologically similar to necrosis and mechanistically similar to apoptosis. It is also called programmed necrosis. So apoptosis is programmed cell death and necroptosis is programmed necrosis. ठीक है? Now, pyroptosis is a programmed cell death accompanied by release of fever. In release of pyroptosis mein kya hota hai? Pyro matlab fever. So by release of fever inducing cytokine IL-1, it also involves caspase 1 and 11. So caspase 1 and caspase 1 and 11 is involved. Okay. Commonest fixative used for light microscopic examination is 10% to light microscopic examination, 10% buffered neutral formalin. ठीक है, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के लिए है. न्यूट्रल 10% बफर न्यूट्रल फॉर्मेलिन फॉर लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए क्या है? रिमेम्बर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए इट इज ग्लूटराल्डिहाइड. तो वी यूज ग्लूटराल्डिहाइड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, व्हाट इज फेंटोन्स रिएक्शन? फेंटोन्स रिएक्शन लीड्स टू फ्री रेडिकल जनरेशन व्हेन आयरन इज कन्वर्टेड फ्रॉम फेरस टू फेरिक फॉर्म. तो फेंटोन्स रिएक्शन में क्या होता है? जब आयरन इज इट रिजल्ट्स इन फ्री रेडिकल जनरेशन व्हेन आयरन इज कन्वर्टेड फ्रॉम फेरस टू फेरिक फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो फ्री रेडिकल इज जनरेटेड. व्हाट इज हेबर वेस रिएक्शन? इट इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल फ्रॉम H2O2. हेबर वेस याद रखो H2O2, H2O2 से आप फ्री रेडिकल जनरेट करते हो. ठीक है, एंजाइम दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज. फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट कौन करता है? सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, कैटालेज, ग्लूटाथियोन एंड पेरोक्सीडेज. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक ऑन द गोल्डन पॉइंट्स इन सेल इंजरी. वी विल कम विथ अनदर चैप्टर ऑफ इन्फ्लेमेशन गोल्डन पॉइंट्स वेरी सून. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू द लेक्चर. आई होप यू लाइक द क्लास एंड प्लीज डू गिव योर सपोर्ट थ्रू लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोज and by subscribing to our channel. Thank you very much. See you in the next class.